ईडब्ल्यू में वर्क करेंगे. सो फर्स्ट टेक आउट योर ईबीएस सीडब्ल्यू. ठीक है, तो लेसन नंबर 4 एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया. ठीक है, तुलिप में एक्सरसाइज भी कंप्लीट की. तो आज इस वीडियो में हम लोग अपनी ईबीएस स्मॉल बुक में न्यू वर्ड्स लिखेंगे. ओके, सो बी रेडी विथ योर ईबीएस स्मॉल बुक एंड पेंसिल एंड इरेजर. तो फर्स्ट हम लोग न्यू पेज पे हम लोग लिखेंगे लेसन का नेम. ठीक है, सो लेसन नंबर 4. सो राइट हियर नंबर 4, क्या है लेसन नंबर 4 का नेम? वाटर, W A T E R, वाटर. ठीक है, लेसन नंबर 4 वाटर, जिसमें आज हम लोग लिखने वाले हैं न्यू वर्ड्स. ओके, तो अभी हम लोग लिखेंगे न्यू वर्ड्स. तो हमारा टॉपिक का नेम रेड डाउन, N E W W O R D S, न्यू वर्ड्स. ठीक है, अनदर लाइक दिस वर्ड्स. सो लेट्स राइट न्यू वर्ड्स. राइट डाउन F L O W, F L O W, F L O W, फ्लो. F L O W, फ्लो, यानी कि कोई भी चीज की कंटिन्यू मूवमेंट. ओके, मूवमेंट. चलो अभी यहां पे लिखेंगे L A K E, L A K E, lab, L A K E, lab. Write down D R I N K I N G, drinking, D R I N K I N G, drinking, drink करना, पीना. Next P O N D, pond. Okay, lab, pond, these are sources of water. ओके, तालाब होता है ना, लेक यानी तालाब, लेक, pond. तो ये जो है वो वॉटर सोर्सेस के नेम है. सी डबल ओ के आई एन जी, कुकिंग, सी डबल ओ के आई एन जी, कुकिंग. यहाँ पे ड्रिंक का ड्रिंकिंग और कुक का कुकिंग. ओके, लिखा हुआ ड्रिंकिंग कुकिंग. देन राइट हियर टी ए एन के, टेन, टी ए एन के, टेन. डब्ल्यू ए एस एच आई एन जी, वॉशिंग, डब्ल्यू एस एच वॉश एंड आई एन जी लगाए तो वॉशिंग, यानी कि धोना, कपड़े धोना या कुछ भी धोना, वॉश करना, कुक करना यानी खाना पकाना. नेक्स्ट है ओ सी ई एन, ओशन, ओ सी ई एन, ओशन. ओके, तो ये चारों जो है वो वॉटर सोर्सेस है, लैब, पॉन्ड, टैंक एंड, टैंक एंड ओशन. नेक्स्ट सी एल ई ए एन आई एन जी, यहाँ पे क्लीन का क्लीनिंग लिखा हुआ है, फॉर सी एल ई ए एन आई एन जी, क्लीनिंग. ओके, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग. तो स्टूडेंट ये सब क्या है? यूजेस ऑफ वॉटर. राइट डाउन पी आई पी ई एस, पाइस, पी आई पी एस, पाइस. वी ई डबल एस ई एल, वेसल, वी ई डबल एस ई एल, वेसल, यानी कि बर्तन जो होते हैं, प्लेट, स्पून, ओके, बॉल, वो सब बर्तन, वेसल. पी आर ई सी आई ओ यू एस, प्रेशियस. ओके, प्रेशियस, पी आर ई सी आई ओ यू एस, प्रेशियस. ओके, चलो अभी आप लोग स्टूडेंट बुक में कंटिन्यू करेंगे. मैं यहाँ पे लिखूंगी, आप लोग कहाँ पे लिखोगे? वेसल्स और ब्रशेस के नीचे. ठीक है, ओके सर. राइट डाउन बी ए टी एच आई एन जी, बाथी, बी ए टी एच आई एन जी, बाथी, बात का बाथी. ओके, नहाना. ए टी ए के आई एन जी, एल ई ए के लीक, आई एन जी तो लीकिंग. ओके, लीकिंग यानी कि पाइप, टैप, कुछ भी हो, उसमें से पानी टूट गया हो, तो वो वॉल हो गया हो, तो पानी निकलता है उसमें से, तो उसको बोलते हैं लीक होना, लीकिंग. एस ओ यू आर सी ई एस, सोर्सेस, एस ओ यू आर सी ई एस, सोर्सेस, सोर्सेस यानी कि कोई भी चीज का सोर्स, कोई भी चीज का सोर्स यानी कि वो चीज हमें कहां से मिलती है.
कौन सी प्लेस से मिलती है, वो उसका सोर्स होता है कोई भी चीज का। W E L L, W E L L, यानी कि कुआ। राइट डाउन RIVER, रिवर यानी कि नदी। RIVER, रिवर। STREAM, ये छोटे ये दोनों भी वाटर सोर्सेस ही है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव।
So write down question number 5. A special 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 area, a special area. अब लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Dug out, D-O-D-U-G, or you see, dug out, dug यानी कि खोदना. To collect rain water. A special area dug out to collect rain water. एक special area बनाया जाता है खोद के rain water collect करने के लिए, तो वो है टैंक, उसको बोला जाता है टैंक. So write down T-A-N-K, टैंक. T-A-N-K, टैंक. Question number 6. Very large, L-A-R-G-E, large, very large bodies, B-O-D-I-E-S, bodies of water. Question is, very large bodies of water, very large body, okay, बहुत बड़ा है, क्या होता है पानी का, तो वो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ओशन या फिर सी, ओके, सागर, महासागर. आप समंदर किनारे अगर गए हो आपने देखा होगा समंदर एकदम बड़ा होता है, दूर दूर तक आपको पानी दिखाई देता है. सो इट्स अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वॉटर. सो राइट डाउन आंसर में आएगा ओशन एंड सी, सागर महासागर, ओके, समंदर, ओ सी ई एन ओशन एंड एस ई ए सी, ठीक है. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ वॉटर, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा वॉटर सोर्स है, फिर उसके सिर्फ नेम ही आपको आंसर में लिखने हैं, ओके. नेचुरल फ्लो ऑफ वॉटर, रिवर, बॉडी ऑफ फ्लोइंग फ्रेश वॉटर, स्ट्रीम. फ्रेश वॉटर किसमें होता है, स्ट्रीम में. लार्ज एरिया ऑफ वॉटर, लैक. स्मॉल एरिया ऑफ वॉटर, पॉन्ड. ओके, स्पेशल एरिया डग आउट टू कलेक्ट रेन वॉटर, एक स्पेशल एरिया बनाया जाता है रेन वॉटर कलेक्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं टैंक. एंड वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वॉटर, सो आंसर इज ऑप्शन है सी. दिस यू हैव टू कंप्लीट इन योर ईवीएस सीडब्ल्यू, ईवीएस स्मॉल बुक. ओके, तो अच्छे से राइटिंग में न्यू वर्ड्स, आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ वॉटर कंप्लीट करना, और इसके स्पेलिंग, यस स्पेलिंग आपको लर्न बाय